के अपेलो, सेल्सियस के अपोलो जो है वो अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जॉनाथन कमिंग अप विद फोर फिनिशेस एट द वेरी मोमेंट, 13 फिनिशेस के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। नियो को ओपन ग्राउंड में स्पॉट किया गया, बट जॉनाथन ही डस नॉट स्टॉप, ही इज अनस्टॉपेबल दिस मॉन्स्टर, कैन समवन प्लीज स्टॉप हिम। जी में खेलेंगे तो मतलब आपका एक जो एरिया है वो कंप्लीटली एक्सपोज रहेगा, एंड उसी के चलते वे मिनामार में यूजुअली टीम जो है वो नहीं खेलती है। साथ में रॉक को व्हीकल एक्सप्लोजन से जॉनाथन कंप्लीटली एलिमिनेट करने वाले, जॉनाथन के M4 लेजर स्पेस के साथ साथ आगे आ रहा है इजी 4 सोल, दोनों टीम्स को अकेले अच्छा गया है पहला गोल का, बोल सकते हैं स्टेप अच्छा गया है गॉडला की तरफ से, और जॉनाथन को संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि साथ साथ यहां पर सेल्सियस के खिलाड़ी हैं और भी टीम से डिस्टर्ब उनको कर दिया, लेकिन मैक्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह का लेजर जेट स्प्रे जॉनाथन का उनको वहां पर नॉकआउट कर सकता है। अपोलो को कवर फायर प्रोवाइड कर देना चाहिए था पहले से ही, शायद एक चूक उनके प्लेयर्स के ऊपर भारी पड़ सकती है। यहाँ पर मैक्स को किस तरह से बचाया जाता है, अपोलो ने वो स्मोक क्रिएट करे और ये जो स्मोक्स है मेरे ख्याल से खत्म होने का नाम ले लेंगे, और क्या अपोलो को भी नॉकआउट किया जाएगा एक बड़ा सवाल रहने वाला है। साथ ही साथ सोल भी ये भी हो चुके हैं इसी बीच अपन नॉकआउट, जैसे हम फिनिश स्पीड में रीड कर पा रहे हैं। एब्सोल्युटली वेल एंटिटी गेमिंग को देखिए कहाँ पर है वो, डार्क लॉर्ड हेक्टर के साथ साथ सब जो खिलाड़ी है वो एक अकेले कंपाउंड को होल्ड कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड गुड लक की टीम ब्लाइंड के दोनों खिलाड़ियों को एलिमिनेट करेंगे, ऑरेंज रॉक स्पोर्ट्स ईवो लेगेसी सूर्या को यहाँ पर कंफर्म करने वाले, ऑन द अदर हैंड सावितार के साथ भी फाइट चालू हो तो वह टीम फॉरएवर भी अपने जलवे दिखाते हुए नजर आएंगे, ओएस भी पार्टिसिपेट करेंगे इस फाइट के ऊपर, ओएस को रिटर्न में नॉकआउट किया जाएगा, क्लच कॉल यहाँ पर सोल के युवा ओपी को नॉकआउट करते हैं, एंड इसी के साथ आई बिलीव एक और टीम कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएंगी, आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी टीम इजी जो कि शायद अभी एलिमिनेट होने वाले हैं, देखना पड़ेगा एक बार। वेल नो इट्स गोइंग टू बी 7C जो कि एलिमिनेट हो जाते हैं, एंटिटी गेमिंग एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए क्लच गॉड अकेले 1v2 करते हुए नजर आएंगे, इजी 4 का थर्ड पार्टी आता हुआ टीम सोल गेट्स टेकन डाउन इन 14th पोजीशन। यहाँ पर आपकी सर्कल के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्कल आपके फेवर में है कि नहीं, फिलहाल के लिए 6 विनिश एक्सो काफी खुश रहेंगे, टॉप 3 भी यहाँ पर आ चुके हैं, यानी अपनी प्लेसमेंट पॉइंट को भी इम्प्रूव किया जा सकता है, #4 में चल रही फिलहाल के लिए एक्सो, लेकिन इस मैच के प्रदर्शन के बाद नो डाउट वो आराम से कपड़े आपको ऊपर लेकर आ सकती है, ये चीज वैलिड गॉड लाइक के ऊपर भी वैलिड होती है, लेकिन पियर्स लेफ्ट साइड की तरफ निकलने की कोशिश यहाँ पर थी, लेकिन इंस्टेंटली गॉड लाइक के द्वारा जी गॉड उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाले, और थोड़ा सा कदम खड़ा है और थोड़ा सा नीचे जाते हुए नजर आए उस पहाड़ी से, एब्सोल्युटली फ्लश आउट किया जा रहा है प्लेयर्स को, एक्सो इमॉर्टल एक ग्रेनेड को करते हुए नजर आएंगे, ड्रॉप भी किया जाएगा, कनेक्शन नहीं मिला था, जॉनाथन बिल्कुल ऑपोजिट रीच में इंतजार कर रहे हैं सेल्सियस मैक्स के ऊपर, जॉनाथन अपने M249 की बोली बोलते हुए नजर आएंगे, मिनी 14 को तब्दील करके अभी के लिए M249 में स्विच ओवर किया गया, एक और ग्रेनेड टॉस किया जाएगा, बाउंस अप करवाया जाता है ग्रेनेड को, एक्सो सर्वाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अभी सबसे बड़ा जो खतरा है वो है सेल्सियस के अपेलो, सेल्सियस के अपोलो जो है वो अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जॉनाथन कमिंग अप विद 4 फिनिशेस एट द वेरी मोमेंट, 13 फिनिशेस के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, नियो को ओपन ग्राउंड में स्पॉट किया गया, बट जॉनाथन ही डस नॉट स्टॉप, ही इज अनस्टॉपेबल दिस मॉन्स्टर, कैन समवन प्लीज स्टॉप हिम। जी नहीं, यहां पर उनको रोका नहीं जाएगा, यहां पर सीकॉर्ड भी आगे आने वाले यूरोप के साथ साथ यहां पर पंकोल के सामने रहेंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी अ चिकन डिनर फॉर गॉड लाइक विद अ मैसिव मैसिव वन, ओवरऑल एटलीस्ट 13 से 14 फिनिश पॉइंट्स आ चुके हैं गॉड लाइक के नाम, पिछले मैच में 18 फिनिशेस सेकंड पोजीशन, इस मैच में 13+ फिनिशेस एंड द चिकन डिनर। We gonna talk it.